और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीहोर में बुधनी के बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने नामांकन दाखिल कर दिया है और इसी दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। इससे पहले बीजेपी ने रैली भी निकाली, रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी उपचुनाव में प्रचंड मतों से जीत दर्ज करेगी, तो वहीं केंद्रीय मंत्री का कहना था कि बुधनी मेरी कर्मभूमि है, उन्होंने भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया। उत्साह उमंग के साथ आज जो नामांकन फॉर्म भरा है, यही बता रहा अपने आप में कि यहाँ भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ जीतने की लहर चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोई घर ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो आज अपने इस कार्यक्रम में नामांकन फॉर्म की रैली में शामिल नहीं हुआ है। और बुधनी वो स्थान है जहाँ से हम 90 के बाद से यशस्वी हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान के साथ यहाँ जीत का परचम हमेशा लहराते आए हैं। सारे भाजपा का परिवार, परिवार के भाव से आज मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, महेंद्र सिंह जी, हम स्वयं हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ रमाकांत जी का फॉर्म भरवाने आए हैं। आज हर घर आप बुधनी में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। जनता के मन में प्रचंड उत्साह है, असीम उत्साह, और ऐतिहासिक वोटों से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रमाकांत जी भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प है। क्योंकि यहाँ की तस्वीर और तकदीर अगर बदली है तो भाजपा की सरकार ने बदली। आईएएस अधिकारी शैलबाला मार्टिन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने महामंडलेश्वर अनिलानंद को जवाब देते हुए कहा कि आप किसी को देश से निकाल नहीं सकते, देश हम सब से मिलकर बना है और सभी का इस पर बराबर का अधिकार है। इसकी खूबसूरती ही विविध धर्मों और संप्रदायों से है जिनके तीज त्योहार इसे और अधिक खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर प्रदूषण फैलाना किसी को भी शोभा नहीं देता। सबको अभिव्यक्ति और गलत के खिलाफ बोलने की समान आजादी है। कोई किसी को अगर देश से निकल जाने के लिए कहता है तो वो असंवैधानिक है।